Please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. यूपी के मुजफ्फरनगर में पुलिस ने कुछ ही घंटों के भीतर हुई दो मुठभेड़ में तीन बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। पहली मुठभेड़ भोपा इलाके में हुई जहां पुलिस ने दो बदमाशों को गिरफ्तार किया, जबकि दूसरी मुठभेड़ बुढ़ाना इलाके में हुई जब पुलिस को दो बदमाशों के आने की खबर मिली। पुलिस ने दोनों को रोकने की कोशिश की तो उन्होंने पुलिस पर ही फायरिंग कर दी। जवाबी फायरिंग में 20,000 का इनामी बदमाश इरफान घायल हो गया, जबकि उसके साथ ही वहां से फरार हो गया। मुठभेड़ में पुलिस का एक सिपाही भी घायल हो गया। एक बदमाश के गोली लगी है जिसका नाम इरफान सनोफ हबीब है, जो कोतवाली से ही 20,000 का इनामी भी है, और दूसरा साथी इसका भागने में सफल रहा है, उसे भी गिरफ्तार करने के प्रयास किए जा रहे हैं। और इसके पास से एक CMP कंटीमेट पिस्टल, एक मस्कट और एक मोटरसाइकिल सस्पेक्टेड बरामद हुई है। इटली की राजधानी रोम में अभिनेता ऋतिक रोशन अपने बेटे के साथ एक सड़क पर स्कूटर चलाने लगे। वो इन दिनों अपने दोनों बेटों के साथ इटली में छुट्टियां मनाने पहुंचे हैं, जिसकी तस्वीरें उन्होंने इंस्टाग्राम पर शेयर की, जिनमें ऋतिक अपने बेटे के साथ रोम की सड़कों पर स्कूटर चलाते दिखाई दिए। इस दौरान स्कूटर की पिछली सीट पर बैठे ऋतिक के बेटे ने सेल्फी स्टिक थाम रखी थी, जिससे वो स्कूटर राइड की तस्वीरें रिकॉर्ड कर रहे थे। स्कूटर चला रहे ऋतिक अपने बेटे के साथ रोम के चौराहों और गलियों के चक्कर लगाते दिखाई दिए। रोम की गलियों में स्कूटर पर सैर करने से पहले ऋतिक अपने बच्चों के साथ स्विट्जरलैंड में थे, जहां उन्होंने एल्प्स की पहाड़ियों पर चढ़ाई की। लेकिन इस मुश्किल चढ़ाई से पहले ऋतिक ने अपने दोनों बेटों को कुछ जरूरी सावधानियां बताई और पर्वतारोहण को पिकनिक का जरूरी हिस्सा बताया। So the mission is for us to be able to climb. Yes. इसके बाद पहले ऋतिक ने हेलमेट और सेफ्टी बेल्ट के साथ पहाड़ी पर चढ़ाई की और फिर बेटे रिदान ने रस्सी की मदद से चढ़ाई शुरू की। नीचे से ऋतिक और उनका बेटा रिहान लगातार रिदान का हौसला बढ़ा रहे थे। हालांकि बीच में एक बार रिदान के हाथ से पहाड़ी की पकड़ भी छूट गई, लेकिन बाद में वो पहाड़ी के टॉप पर पहुंच गया और इसके बाद रिदान धीरे धीरे रस्सी के सहारे पहाड़ी से नीचे उतर आया। बिहार के हाजीपुर में कुछ लोग दो लोगों को घेर कर पीटने लगे। आरोप है कि वहां चोरी करते समय दोनों को रंगे हाथों पकड़ लिया गया, जिसके बाद भीड़ का गुस्सा भड़क गया और दोनों आरोपियों की पिटाई कर दी गई। इस घटना का वीडियो उसी भीड़ में मौजूद एक आदमी ने अपने मोबाइल फोन के कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया, जिसमें दिखा कि दोनों आरोपी लोगों की भीड़ के बीच जमीन पर बैठे थे, जिन्हें एक आदमी हाथ में छड़ी लेकर पीट रहा था। इस दौरान एक आरोपी ने उठने की कोशिश की, लेकिन भीड़ ने उसे धक्का देकर फिर नीचे बिठा दिया। इसके बाद वहाँ खड़े दूसरे आदमी ने भी छड़ी से आरोपी की पिटाई कर दी। इस दौरान वहां मौजूद लोगों में से किसी ने भी इस पिटाई को रोकने की कोशिश नहीं की। स्पेन के अरेवालो में सांड से मुकाबले के खेल के दौरान एक खिलाड़ी को एक सांड ने रौंद दिया। यह हादसा तब हुआ जब सांड को जख्मी करने की कोशिश कर रहा खिलाड़ी अपना संतुलन खोकर जमीन पर गिर पड़ा, जिसके बाद सांड उसको रौंदने लगा। हालांकि शुरुआत में इस खिलाड़ी ने शानदार खेल दिखाया और सांड को हमले के लिए उकसाया। जैसे ही सांड उसके पास पहुंचा, खिलाड़ी ने उसके शरीर पर भाले की नोक घुसा दी। ये देख पूरा मैदान तालियों से गूंज उठा। थोड़ी देर बाद उसने सांड को दोबारा भाला मारने की कोशिश की, लेकिन इस बार वो संतुलन खो बैठा और गुस्से में बेकाबू सांड उसे रौंदने लगा। तभी मैदान में गुलाबी कपड़ा लिए दूसरे खिलाड़ी सांड का ध्यान भटकाने की कोशिश करने लगे और सांड को उससे दूर ले गए। मौके का फायदा उठाकर उसे मैदान से बाहर ले जाया गया। खिलाड़ी की जान तो बच गई, लेकिन सांड ने उसके सिर पर गहरा जख्म दिया, जिसके बाद उसे टांके लगाने पड़े। राजस्थान के जोधपुर में एक सड़क पर हो रहे विवाद के बीच कुछ लोग एक लड़के को पीटने लगे। आरोप है कि सड़क पर बाइक और ट्रक की मामूली टक्कर पर हुए विवाद में कुछ लोगों ने बाइक सवार लड़के की जाति पूछकर उसकी पिटाई कर दी, जिसका वीडियो वहां मौजूद एक शख्स ने बना लिया, जिसमें साफ दिखा कि एक ट्रक के पास खड़े एक लड़के की वहां खड़े ट्रैफिक पुलिस कर्मी से कुछ बहस हुई। इस बीच किसी ने उससे उसकी जाति पूछी और जाति बताने पर उसकी पिटाई कर दी गई। इसके बाद वहां मौजूद कुछ लोगों ने भी लड़के को पीटना शुरू कर दिया। हैरानी की बात ये दिखी कि इस दौरान पुलिसकर्मी ने किसी को रोकने की कोशिश तक नहीं की। उसको बोला मेरे को गाड़ी देने लगा, तो मैंने एक दो हेलमेट मार दिए, फिर सब पब्लिक मिलकर मेरे को मारने लगी। इसके बाद ट्रैफिक पुलिसकर्मी ने लड़के को अपनी गाड़ी में बिठाया और अपने साथ ले गए। कनाडा के पॉप सिंगर जस्टिन बीबर की अपनी गर्लफ्रेंड हेली बॉल्डविन के साथ सगाई करने की खबर है। बताया जा रहा है कि दोनों ने बहामास में गुपचुप तरीके से सगाई कर ली, जिसकी पुष्टि नहीं हो पाई।
लेकिन दोनों की सगाई से जुड़ी खबरें इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रही हैं। बताया जा रहा है कि बहामास ट्रिप के दौरान बीबर ने अपनी गर्लफ्रेंड और मॉडल हेली बॉल्डविन को प्रपोज किया। इसके बाद बीबर ने अपने ट्विटर अकाउंट पर एक तस्वीर शेयर कर अपनी नई जिंदगी की शुरुआत की जानकारी दी। जस्टिन बीबर ने ट्वीट किया, गर्व कहना छोटी बात होगी, अगले अध्याय के लिए उत्साहित हूं। इस ट्वीट के बाद हेली के पिता ने भी दोनों को बधाई दी, हालांकि कुछ देर बाद ही उन्होंने उस ट्वीट को डिलीट कर दिया। लेकिन तब तक ये खबर सोशल मीडिया पर वायरल हो चुकी थी, जिसकी खबर लगने के बाद पॉप सिंगर जस्टिन बीबर के चाहने वाले परेशान हो गए और इंटरनेट पर उनके मैसेज की बाढ़ आ गई, जिसके बाद जस्टिन बीबर की कुछ महिला प्रशंसकों ने हेली बॉल्डविन को ट्रोल किया, जबकि कुछ दोनों की सगाई की खबर पर यकीन करने को तैयार ही नहीं हुए। जस्टिन बीबर की एक महिला प्रशंसक ने लिखा, जस्टिन बीबर ने सगाई कर ली और इसी के साथ मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। बीबर की एक और फैन ने ट्वीट किया, मैं अपनी जिंदगी में इतना दुखी कभी नहीं हुई। क्या हेली को बीबर का हर गाना पसंद है? क्या वो बीबर के कॉन्सर्ट में जाती है? क्या उसके सारे कपड़े पर्पल कलर के हैं, क्योंकि ये बीबर का पसंदीदा रंग है? करीब 2 साल से एक दूसरे को डेट कर रहे बीबर और हेली के ब्रेकअप की भी खबरें आई थी, लेकिन कुछ महीने पहले दोनों को फिर से साथ देखा गया और उनके पैचअप की खबरें। सोशल मीडिया पर जारी हंगामे के बीच जस्टिन बीबर की मां ने एक तस्वीर शेयर कर उसके साथ लव 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 लिखा। बागपत जेल में हुई जॉन मुन्ना बजरंगी की हत्या के मामले में पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल हुए पिस्तौल को बरामद कर लिया है। हत्या के करीब 14 घंटे बाद पुलिस ने पिस्तौल बरामद की। पिस्तौल के साथ ही 22 कारतूस और 2 मैगजीन भी बरामद किए गए हैं। पुलिस के मुताबिक हत्या के बाद पिस्तौल गटर में फेंक दी गई थी। बता दें कि बागपत जेल में पेशी के लिए लाए गए मुन्ना बजरंगी की कल गोली मारकर हत्या कर दी गई। हम लोग परिवार से भी बात करेंगे, सबसे बात करके इसको निष्पक्ष कार्रवाई इसमें होगी, किसी जो दोषी है उसको छोड़ा नहीं जाएगा। अभी जो प्राथमिक रूप से आरोप लगाया है इन्हें सुनील लाठी पर लगाया है, वो उसकी ने तहरीर भी दी है, हम लोग उसमें मुकदमा पंजीकृत करा रहे हैं। समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान ने मुन्ना बजरंगी की हत्या को लेकर योगी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने दावा किया कि कुछ अधिकारियों के निलंबित कर सरकार इस घटना से पल्ला झाड़ने की कोशिश कर रही है। किसी अधिकारी को निलंबित कर देना सिर्फ जनता को धोखा देना है, तो ये किसी को सस्पेंड करना ये सजा है ही नहीं, ये तो बल्कि उसको इनाम देना है। अब ये तो भाई मुखिया बताएंगे, मैं थोड़ी बताऊंगा। तो एक दिन पहले आ गया था, तो मैं कौन हूँ बताने वाला। कह तो रहे हैं कि भाई रूल ऑफ लॉ खत्म हो गया, एनआरकी है, एनआरकी। भारत में ही बन रही धनुष तोप अब जल्द ही सेना को सौंपी जा सकती है। धनुष के सभी परीक्षण पूरे कर लिए गए हैं और आखिरी परीक्षण में भी देश में बनी धनुष तोप हर पैमाने पर खरी उतरी। परीक्षण के दौरान धनुष तोप से करीब 300 गोले दागे गए। ये तोप 1 मिनट में 6 गोले दाग सकती है। दावा किया गया है कि परीक्षण के दौरान हर निशाना सटीक रहा। इस तोप की तुलना स्वीडन की बोफोर्स तोप से की जाती है, लेकिन धनुष न केवल बोफोर्स से सस्ती है बल्कि आधुनिक भी है। धनुष तोप की कीमत केवल 15 करोड़ रुपए बताई जा रही है और दावा है कि ये तोप अपनी श्रेणी में दुनिया की हर तोप के मुकाबले काफी सस्ती है। अमेरिका की अल्ट्रा लाइट होवेजर तोप की कीमत 33 करोड़ रुपए है, तो इसी श्रेणी में दक्षिण कोरिया की K9 थंडर करीब 42 करोड़ रुपए की। माना जाता है कि भारतीय सेना को अपनी मारक क्षमता बढ़ाने के लिए कम से कम 400 धनुष तोपों की जरूरत है। यूपी के गाजीपुर में एक स्वास्थ्य केंद्र के बाहर अस्पताल का एक कर्मचारी स्ट्रेचर पर लेटे आदमी का इलाज करने लगा। आरोप है कि जख्मी आदमी का स्वास्थ्य केंद्र के सामने ही खुले मैदान में इलाज किया गया, जिससे जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें एक जख्मी आदमी स्ट्रेचर पर लेटा दिखा जिसके शरीर से खून बहता हुआ साफ दिखाई दिया। तभी वहां मौजूद स्वास्थ्य कर्मचारी उस जख्मी आदमी का इलाज करने लगा। हैरानी की बात यह है कि जब जख्मी आदमी को स्वास्थ्य केंद्र तक पहुंचा दिया गया था, फिर भी उसे अंदर ले जाने की बजाय खुले में उसका इलाज किया गया। इस वीडियो के सामने आने के बाद प्रशासन ने मामले की जांच के लिए 3 सदस्यों की एक टीम बना दी। बताया जा रहा है कि आदमी ट्रेन से कहीं जा रहा था, लेकिन अचानक हादसे का शिकार हो गया जिससे उसे गंभीर चोटें आईं। महाराष्ट्र में ठाणे के दिवा इलाके में लोग अपने घरों में घुसे बारिश के पानी को निकालने लगे। महाराष्ट्र में लगातार हो रही बारिश का असर ठाणे में भी दिखाई दिया, जहां बारिश का पानी लोगों के घरों में घुस गया, जिसके बाद लोगों ने जैसे तैसे बारिश के पानी को अपने घरों से बाहर निकाला। यही नहीं, लगातार हो रही बारिश के कारण एक इलाके में बाजार की अधिकतर दुकानें बंद नजर आईं। हालांकि फुटपाथ पर लगने वाली कई दुकानें जरूर खुली रहीं, लिहाजा रोजमर्रा से जुड़ी चीजें खरीदने के लिए लोग बारिश के बीच बाजार पहुंचे। वहीं राममूर्ति रोड भारी बारिश के कारण नदी में तब्दील हो गई, जिसकी वजह से वहां सन्नाटा दिखाई दिया। हालांकि भारी बारिश के बीच ठाणे महानगर पालिका के कर्मचारी सड़क पर जमा पानी को निकालने में जुटे रहे। कमोबेश ऐसे ही हालात घोड़बंदर इलाके में भी दिखाई दिए।
जहां एक सड़क पर इतना ज्यादा पानी जमा हो गया जिसकी वजह से वहां जैम जैसे हालात बन गए। इसके बाद भी सड़क पर गाड़ियों की आवाजाही जारी रही। इतना ही नहीं, घोड़बंदर इलाके में ही एक दूसरी सड़क पर कुछ कारें बरसात के पानी में तैरती नजर आईं, तो कुछ बाइक सवार और कार सवार लोग वहां से गुजरते रहे। मौसम विभाग के मुताबिक ठाणे के लोगों को अभी बारिश से राहत मिलने के आसार नहीं है। मध्य महाराष्ट्र मराठवाड़ा एरिया में बारिश कम हो जाएगा, लेकिन कोंकण एरिया में बारिश अगले 5 दिनों में कंटिन्यू रहेगा। महाराष्ट्र में लगातार हो रही बारिश का असर ट्रेनों पर भी अच्छा खासा पड़ा है, जिसकी वजह से मुसाफिरों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।